हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है मृदा जीवांश पदार्थ। किसकी बात करेंगे? मृदा जीवांश पदार्थ, सोयल ऑर्गेनिक मैटर जो चैप्टर चल रहा था उसी का नेक्स्ट अपना पार्ट है। पिछली वाली वीडियो अपन ने देखा था ह्यूमस जो होता है उसकी गुण क्या होते हैं, उसमें भौतिक गुणों की अपन ने बात की थी, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करें कि रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टूडेंट रासायनिक गुणधर्म है, यहाँ से छोटे सवाल यहाँ पर बन जाते हैं कि कौन से गुणधर्म होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करें कि रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले अपने पास में है, यहाँ पर एक टेबल आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको ड्रॉ किया है। देखो कार्बन जो होता है इसका जो परसेंट होता है जीवांश पदार्थ के अंदर रासायनिक रूप से वो 55 से 60% होता है, 55 से 60% होता है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से कितना परसेंट कार्बन होता है, 55 से 60% यहाँ पर होता है। दूसरा इनके अंदर जो हाइड्रोजन होता है 4 से 6% होता है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है सबसे अधिक पाई जाती है यहाँ पर, इसके सेकंड नंबर पे 35 से 40% जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन है काफ़ी कम मात्रा में, 3 से 6% ही नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है। सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, 55 से 60% होता है, और दूसरा उसके बाद में कौन आता है, ऑक्सीजन आता है वो सबसे अधिक होता है। और फास्फोरस है, सल्फर है, इसके अलावा आयरन वगैरह जो अन्य धातु है धातु पदार्थ होते हैं वो अन्य भी यहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो ये तो क्या है इसका रासायनिक संगठन। तो रासायनिक जो संगठन होता है इसका, ह्यूमस का रासायनिक जो संगठन होता है वो इस प्रकार से पाया जाता है। ये रासायनिक संगठन था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना परसेंट यहाँ पर पाई जाती है उसकी बातें अपन ने की। इम्पोर्टेंट है कार्बन 55 से 60% पाया जाता है। ओके, अब देखो इसके अलावा कुछ रासायनिक गुणधर्म ऐसे हैं जो मोस्टली रूप से यहाँ से पाए जाते हैं। एक गुणधर्म यहाँ पर है कौन सा, धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय जो क्षमता होती है स्टैंड से वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। थोड़ा ध्यान रखना है धनायन विनिमय क्षमता जो होती है ह्यूमस की कितनी होती है, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के अंदर 200 सेंटीमोल पाए जाते हैं, इसके एक मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी पाई जाती है, अपना थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। दूसरा इनके अंदर क्या होता है, प्रतिरोधन जो क्षमता होती है, प्रतिरोधन क्षमता अधिक पाई जाती है ह्यूमस में। प्रतिरोधन जो क्षमता होती है जीवाणु वगैरह जो फसलों में जो बीमारियां वगैरह हो जाती हैं जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमस को अपने एक टाइप से उपजाऊ भूमि होती है उसको ह्यूमस कह सकते हैं, जहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जहाँ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं वही उपजाऊ वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर हम खाद डालते हैं ये खाद भी क्या एक टाइप से ह्यूमस का ही काम करता है, ह्यूमस ही बनाता है मिट्टी के अंदर। जैसे ह्यूमस बनेगा यहाँ पर मिट्टी के अंदर फसल क्या होगी, अच्छी तरीके से बढ़िया क्वांटिटी वाली फसल वहाँ पर पैदा हो जाएगी। तो ध्यान रखने वाली बात है क्या कि क्वांटिटी जो होती है ह्यूमस की वो अगर ज़्यादा है प्लांट के लिए लाभदायक होता है। रासायनिक गुणधर्मों में आता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा रासायनिक गुणों में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से जो अपने पास में है इनमें धनायन विनिमय क्षमता के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात होता है। कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो कितना परसेंट होता है, कार्बन 10:1 के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10:1 में मिलेगा, आप खुद भी देख रहे हैं कार्बन का अनुपात है 55 से 60% होता है, जबकि नाइट्रोजन कितना होता है 3 से 6% लगभग होता है। तो इनका अनुपात भी यहाँ पर कितना है, 10:1 के आसपास इनके अंदर रेशियो यहाँ पर पाया जा रहा है। लगभग 10 गुना कार्बन होगा वहाँ 1 गुना क्या मिलेगा, नाइट्रोजन अपने को मिलेगा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से ध्यान रखना है, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है ये कितना पाया जाता है ह्यूमस के अंदर, 10:1 पाया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कई बार पूछा हुआ है, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नॉर्मल तरीके से इसमें तो अपने पास में एक पदार्थ और आता है, इसमें मुख्य रूप से जो होते हैं रासायनिक गुणधर्मों अगर बात करें तो ह्यूमस में कौन कौन से क्रियात्मक समूह आते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में जो कार्बोनिल समूह होते हैं, कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन्स आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, वो है कार्बोनिल जो समूह होते हैं वो इसके अंदर बन जाता है। ये इसके अलावा जो फिनोलिक समूह होता है, फिनोलिक से फिनोल वगैरह होते हैं, ये फिनोलिक समूह होते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ये फिनोलिक समूह है। ये इसके अलावा जो इनोलिक समूह होते हैं, ईथर वगैरह जो होते हैं ये इसके अंदर क्रियात्मक समूह मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है क्या होता है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2
हाइड्रोजन जो पराक्साइड होता है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमस का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ये ह्यूमस का ऑक्सीकरण करने के अंदर काम आता है। तो ह्यूमस का ऑक्सीकरण करने वाला जो अपने पास में रासायनिक है वो कौन सा है? ये है हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड के द्वारा क्या किया जाता है? इसका ऑक्सीकरण किया जाता है। तो ये मोस्टली अपन ने ह्यूमस के रासायनिक गुणधर्म स्टूडेंट्स यहाँ पर देखे हैं। रासायनिक गुणधर्म में अपन ने क्या बात की है? इसकी भौतिक गुणधर्मों के अलावा मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है, ये संगठन रासायनिक संगठन अपने को पता होना चाहिए। मोस्टली धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है ये अपने को यहाँ से पता होना चाहिए। धनायन विनिमय क्षमता होती कितनी है ये भी अपने को पता होना चाहिए। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात होता है वो कितना होता है ये भी अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, और ऑक्सीकरण करने के अंदर कौन सा केमिकल काम आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, ये भी थोड़ा सा अपने को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो मोस्टली इसके अंदर रासायनिक गुणधर्मों में फिलहाल इतना ही है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो तीन पॉइंट है यहाँ से, वो अपने थोड़ा सा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वाली क्लास में है स्टूडेंट्स, जो अपन बातें करेंगे इसके अंदर जो ह्यूमस होता है उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी बनती है वैसे ह्यूमस कैसे बनता है, उसकी बातें अपन नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। डायमंड क्रिस केमिस्ट्री क्लासेस को चैनल को मेरे को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और अपने साथ वाले स्टूडेंट के साथ में उसको शेयर भी करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।